नेपाली पीएम प्रचंड के भारत समर्थक होने से नेपाल चीन के रिश्तों में खटास आ गई है, यह हम नहीं कह रहे बल्कि चीनी मीडिया का दावा है। दरअसल नेपाली पीएम प्रचंड के चीन की इस हफ्ते होने वाली यात्रा से पहले सरकारी मीडिया ने यह कहते हुए आलोचना की कि प्रचंड की भारत समर्थक नीतियों के कारण दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर आ गए हैं। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कुछ समय तक प्रचंड का चीन के प्रति दोस्ताना रुख था। लेख में प्रचंड के पहले में चीन से करीबी संबंधों और भारत विरोधी बयानबाजी का जिक्र किया गया। अखबार ने कहा, लेकिन पिछले साल अगस्त में दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद प्रचंड दो बार भारत गए। चीन ने टिप्पणी ऐसे समय में कर रहा है जब प्रचंड 23 मार्च से चीन की यात्रा पर जा रहे हैं।